ऑन कर वीडियो। हेलो एवरीवन, हमारे पास खड़ी है इंडिया की सबसे सस्ती अफोर्डेबल लो रनिंग कॉस्ट वाली दो गाड़ियां। एस्प्रेसो काफ़ी अच्छी सेल्स निकाल रही है, एल्टो K10 अभी आई है। ये जो दोनों गाड़ियों के वेरिएंट है इनमें सिर्फ 15,000 रुपये का फ़र्क है, सिर्फ 15,000 का। और आप आज जानने वाले हैं कि दोनों सेम ही वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब ये भी, ये एस्प्रेसो VX आई है, ये एल्टो K10 VX आई है। बहुत से फीचर्स आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिसीजन की क्लैरिटी ये लेनी है कि 15,000 के डिफरेंस में क्या आपको एल्टो K10 के साथ जाना चाहिए या फिर आपको एस्प्रेसो, एक ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, उसको कंसिडर करना चाहिए। वीडियो में बने रहिए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दोनों गाड़ियों में सिर्फ 15,000 का फर्क है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, एस्प्रेसो VXI वेरिएंट जो आता है वो आता है 5,15,000 के एक्स शोरूम पे, और एल्टो VXI वेरिएंट, एल्टो K10 VXI वेरिएंट आता है 5,00,000 एक्स शोरूम, नेट 5,00,000। तो अब RTO प्राइसेस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन इफेक्टिवली 15,000 का फर्क दोनों गाड़ियों में है एट द एंड जब आप लेने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बात करें एक्सटीरियर में, तो इंजन स्पेक सेम है, 998 सीसी का इंजन आता है, लेकिन यहाँ पे इंजन को अलग तरह से ट्यून किया गया है क्योंकि दोनों के माइलेज में आपको फर्क मिल जाता है। आपको एस्प्रेसो से जो माइलेज मिलता है क्लेम करती है कंपनी, वो 21 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन यहाँ से आपको 24.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो क्लेम किया जाता है। अब जब हम इंटीरियर देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए प्रैक्टिकल गाड़ी कौन सी, और जब आप गाड़ी देखने जाएं तो आप प्रायोरिटी उस गाड़ी को देख सकते हैं, क्योंकि फ़र्क सिर्फ 15,000 का है। जहाँ पे हम 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ से हम 10 से 15,000 के डिफरेंस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे अगर हमें एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको वही देखना है इस वीडियो में कि आपके लिए क्या एल्टो K10 जिसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा है वो आपको, उसको प्रेफरेंस देनी है या फिर आपको एस्प्रेसो के लिए जाना है। अब गाड़ी के इंटीरियर और बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अगर फ्रंट की बात करें यहाँ पे, तो आपको दोनों ही गाड़ियों में अगर फीचर वाइज देखें तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा बॉडी हाइट का। बॉडी हाइट का काफ़ी डिफरेंस है। एस्प्रेसो की मार्केटिंग भी शुरू में इसी हिसाब से हुई थी कि ये माइक्रो SUV है और इसको पता नहीं स्कॉर्पियो, रेंज रोवर और लॉर्ड एस्प्रेसो इसको कहा जाता है। एस्प्रेसो लवर्स जो है, एस्प्रेसो जिनको अच्छी लगती है, वो एस्प्रेसो के लिए एक लाइन ज़रूर लिखें। लेकिन जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल गाड़ी लग रही है इसके सामने कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस और जो कमांडिंग पोजीशन है ड्राइविंग करते वक्त वो मिलती है, बाकी आपको फोग लैंप या कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे जो बम्पर और इनकी अलाइनमेंट है वो चीज़ों की प्रॉपर तरीके से लग रही है कि हाँ अलग से बम्पर है, सुजुकी का लोगो बीच में है, ग्रिल है आपको, हालांकि क्रोम ग्रिल नहीं मिलती, नॉर्मल मिलती है, बट फिर भी थोड़ा डिज़ाइन ओरिएंटेड लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा आपको प्लेन सा डिज़ाइन लगता है, बीच में मारुति सुजुकी का लोगो आपको दिख रहा है और बाकी आपको ऐसी कुछ गाड़ी दिख रही है। इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप एक्चुअल में आके देखेंगे ये गाड़ी तो आपको थोड़ी अलग लगेगी। वीडियो में आपको थोड़ा सा उतना समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वीडियोज़ में और फोटोज़ में मुझे भी देख के लग रहा था कि मारुति ने क्या बना दिया, बट स्टिल एक कंसिडरेबल कार हो सकती है अगर कोई कॉमन मैन बजट सेंट्रिक है वो लेना चाहे। इसके बेस वेरिएंट की जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का एक्सशोरूम जो है 3,99,000 है, और ये VXI हमारे पास खड़ा है 5,00,000 के एक्सशोरूम प्राइस पे। यहाँ पे आप चलते हैं एस्प्रेसो के पहले इंटीरियर की तरफ, जहाँ पे आपको साथ ही आपको दोनों ही गाड़ियों में जो साइड मिरर है वो ब्लैक कलर के मिलते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आपको यहाँ पे 14 इंच के टायर साइज मिलता है, और आपको अपनी जो एल्टो K10 है उसमें आपको 13 इंच का टायर साइज मिलता है। तो 1 इंच आपको टायर साइज इसमें बड़ा मिलता है। बाकी अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में इस पैनल पे आपको जो है वो पावर विंडो नहीं मिलती। अब मैं स्पेसिफिकली अभी एस्प्रेसो की बात करता हूँ, और जब हम एल्टो K10 पे जाएंगे तो एल्टो K10 की बात करेंगे, उसके बाद हम एंड में एक छोटा कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल या पावर विंडो नहीं मिलती, आपको पावर विंडो के कंट्रोल अंदर मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक की जो है वो आपको सेंटर लॉकिंग वाली मिलती है और दूसरी आपको मैनुअल मिलती है, तो सेंटर लॉकिंग आपको आपको यहाँ पे की मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर दिखता है जिसमें आपका स्पीडोमीटर वो सब यहाँ ना होके वो यहाँ होता है, जैसे कि पहले टाटा नैनो में आता था। बट क्वालिटी ऑफकोर्स इसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी ज़्यादा है, 5,15,000 के एक शोरूम पर गाड़ी आती है। बाकी आपको नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बटन वाला, टचलेस या टच स्क्रीन नहीं मिलता आपको, इवन टचलेस भी नहीं है, आपको बटन से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और साथ ही आपको नॉर्मल AC मिलता है, ना क्लाइमेट कंट्रोल ना कुछ। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है, चार्जिंग सॉकेट आपको नहीं मिलता है फ्रंट में भी। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट और ये आपको दो जो है वो पावर विंडो दिख रही होंगी, तो यहाँ से आप पावर विंडो जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अगली ही आपको पावर विंडो मिलती है, पिछली दो आपको मैनुअल विंडो मिलती है, पावर विंडो नहीं मिलता। यहाँ पे आपको वही किलोमीटर रेंज और आपको ये डिजिटल मतलब एनालॉग मीटर मिलता है जिसमें आपकी स्पीड वगैरह दिखाई देती है। और एसी की प्लेसमेंट्स थोड़ी प्रैक्टिकल है, जो कि आपको मतलब एसी की हवा जो है वो डायरेक्टली लगेगी। और ये अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी आँख जहाँ पे मतलब मेरा व्यूइंग एंगल है वहाँ पे कैमरा रखा है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी कमांडिंग पोजीशन लगती है और मेरे को काफ़ी हाइट फील होती है गाड़ी की। तो यहाँ पे गाड़ी साथ ही आपको एक एयरबैग आपको ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों का इसमें मिल जाता है। तो 5,15,000 के एक्स शोरूम के हिसाब से गाड़ी इंटीरियर काफ़ी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स मुझे नहीं लगी। बाकी आपको एक छोटा ग्लव बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, तो ऐसा कुछ गाड़ी का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। और हाइट गाड़ी की बहुत सही है, एक प्रैक्टिकलिटी ड्राइविंग जब आप करेंगे, जो मतलब ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हो आप, स्विफ्ट या कोई और भी हैचबैक चला रहे हो, उससे आपको हाइट फील होगी इस गाड़ी में। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एस्प्रेसो का। वेरिएंट आप कोई भी लें, हाइट आपको काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे फील होती है, लेकिन इस गाड़ी में उतना ही फिर इस वजह से बॉडी रोल भी फील होता है, तो उस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज ना करें। साथ ही आपको इंटीरियर अंदर से ही आपको जो साइड मिरर है वो कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं, और इसके बाद आपको ऐसा कुछ आपको इंटीरियर यहाँ पर मिलता है और इतना कुछ आपको स्पेसिंग मिलती है। तो स्पेस के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। साथ ही चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस पे, तो मैन्युअली ऑपरेटेड है, एक बार बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर बूट स्पेस की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लीटर्स आपको 240 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एल्टो से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। एल्टो में आपको 214 लीटर का मिलता है 214 लीटर्स, और एस्प्रेसो में आपको 240 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और ऐसा कुछ इंटीरियर और सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एस्प्रेसो का आपको ओवरऑल आइडिया होगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो आपको पार्किंग सेंसर तो हर गाड़ी में मैंडेटरी है, तो दो पार्किंग सेंसर मारुति अपने देती है। नॉर्मल हैचबैक में बलिनो या किसी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन चाहे एस्प्रेसो हो चाहे एल्टो K10 हो, दोनों में आपको दो दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि मैंडेटरी होते हैं। जो इनके स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड बेस मॉडल है या LXi है, उनमें भी आपको मिलता है। तो इसकी चाबी लगा देते हैं हम सेंट्रल लॉकिंग की वाली, और फिर चलते हैं हम अब एल्टो K10 के इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको, ब्लैक कलर के आपको साइड मिरर मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं मिलते। दूसरी चीज़, आपको 13 इंच का यहाँ पे टायर साइज मिलता है, जो कि आपको एस्प्रेसो में 14 इंच का मिलता है। अब इंटीरियर की अगर बात करें हम, तो इंटीरियर में स्टेयरिंग वगैरह आपको सेम ही मिलते हैं, लगभग जैसा एस्प्रेसो का स्टेयरिंग है वैसा ही इसका है। लेकिन यहाँ पर 15,000 के फ़र्क में इवन आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है कि सेंट्रल लॉकिंग की आपको नहीं मिलती, दोनों की नॉर्मल मिलती है। VXi वेरिएंट में भी आई थिंक मारुति को ये चीज़ तो करनी चाहिए थी, चाहे 2,000-3,000 गाड़ी का प्राइस और बढ़ा दे, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग तो ज़रूर देनी ही चाहिए थी। यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग वाला नॉर्मल फिनिश के साथ मिलता है, ऐसा ही आपको एस्प्रेसो में मिलता है, बस वो आपको मतलब ब्लैक कलर में ही मिलता है। और यहाँ पर ये डोर लॉक अनलॉक, मतलब वैसे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, इंटीरियर से आप एक ही बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बटन जो की होती है सेंट्रल लॉकिंग वाली, वो उसके साथ आपको फीचर्स नहीं मिलते। अब उसके बाद डिफरेंस आता है इस चीज़ में, यहाँ पे आपको ये आपको जैसा आपको एस्प्रेसो के सेंटर में एनालॉग मीटर और वो सब मिलता है, सेम यू लगा लो कि यहाँ से उखाड़ के वो यहाँ लगा दिया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता, वही आपको बटन वाला सेम स्टीरियो सिस्टम मिलता है, एग्जैक्ट सेम। इसमें भी यही आता है, एस्प्रेसो में भी यही आता है, वैगनार में भी यही आता है, सिलेरियो में भी यही आता है। ये बटन वाला VXi सब में सेम आपको सिस्टम मिलता है, दो स्पीकर्स के साथ, ट्विटर्स वगैरह की तो जगह भी नहीं होती। और साथ में आपको यहाँ पर दो कप होल्डर और स्पेस मिल जाता है, बाकी नॉर्मल गियर शिफ्ट आपको, और छोटा सा ग्लव बॉक्स। तो ऐसा कुछ आपका एल्टो K10 का इंटीरियर है। इसके बेस वेरिएंट की वीडियो भी चैनल पे लाइव है, जैसा मैं बता चुका हूँ, 3,99,000 का जो बेस वेरिएंट आता है, और इस वो वीडियो जरूर जाके देखें। और इसके भी जो एसी प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी सही है। तो ऐसा कुछ इस गाड़ी का इंटीरियर है। बाकी अब व्यूइंग एंगल की बात करें, तो वहाँ पे बैठ के आपको एस्प्रेसो में जब आप बैठे थे तो आपको बोनट यूँ दिख रहा था प्लेन, यहाँ पे आपको उतनी कमांडिंग पोजीशन फील नहीं होती। ये मैंने उतने ही एंगल पे रखा हुआ है जिस एंगल पे मैं गाड़ी चलाता हूँ, और मेरी आँखों का जो एंगल है व्यूइंग एंगल वो ये रहता है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उतना कमांडिंग फील नहीं होता, जिस डिफरेंस की मैं खुद बात कर रहा था। तो ऐसा कुछ यहाँ से ही अंदर से ही आप ऑपरेट कर पाएंगे मिरर्स को, लेकिन जो मोटा मोटी डिफरेंस है वो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो है आपका सेम माइलेज का, 3-4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज का फर्क है जो कंपनी क्लेम करती है। बाकी ऐसा ही आपको उसमें मिलता है एस्प्रेसो में, वो जो पावर विंडो है फ्रंट की, पीछे की दोनों मैनुअल ही हैं, और ऐसा ही आपको एस्प्रेसो में और ऐसा ही आपको एल्टो K10 में मिलता है। तो इस चीज़ में मतलब अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक की चीज़ें देखें ना, ये वाली
ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ये डिट्टो सेम है, ऐसा ही सेम सिनेरियो एस्प्रेसो में है, ऐसा ही इसमें है, बस एस्प्रेसो में ये चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ पे है और इसमें आपको सामने मिल जाती है, ये फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल में क्वालिटी में नहीं मिलता है। स्पेस की अगर बात करें, अगर कंपैरेटिवली मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है प्रैक्टिकली कि अल्टो K10 में पीछे रियर सीट्स में ज़्यादा स्पेस है, एस्प्रेसो में मेरे को थोड़ा कम लगता है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बूट स्पेस बताया था, एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एस्प्रेसो में, लेकिन आपको जो आपकी अल्टो K10 है और दोनों में ही बूट स्पेस यहीं से ओपन आप कर सकते हैं, हालांकि अंदर वो बटन होता है लेकिन वो नहीं होता कि गाड़ी ऑन है और आपने यूँ टक किया हाथ और फिर ओपन कर लिया, खोलना आपको चाबी से पड़ेगा बाहर से। तो ये आपको बूट स्पेस दिख रहा होगा 214 लीटर का। तो अगर बात करें बूट स्पेस में इन टर्म्स ऑफ लीटर, लगभग 26 लीटर का डिफरेंस है, जो कि आई थिंक इतना कंसिडरेबल भी नहीं होगा 26 लीटर का कि आप गाड़ी का डिसीजन ही चेंज कर लें, आपको हर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। और अब ये आप सस्पेंशन में और इनमें आप देखिए डिफरेंस, यहाँ पे आपको इतना गैप दिख रहा है एस्प्रेसो के सस्पेंशन और टायर में और यहाँ पे आपको इतना दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी एस्प्रेसो आगे है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे दोनों ही गाड़ियों की, तो एस्प्रेसो की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, एग्जैक्ट मैं दोनों गाड़ियों की आपकी डिस्प्ले पर डाल दूंगा, तो ऐसी कुछ गाड़ियाँ दिखती हैं। तो भाई ये वीडियो थी, प्रॉपर मैंने बताना चाहा कि भाई अल्टो K10 और एस्प्रेसो में से आपको कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए, तो आई थिंक आपको निष्कर्ष मिल गया होगा। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो इन दोनों गाड़ियों में तो मैं तो एस्प्रेसो के साथ ही जाऊंगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। 15,000 महंगी है, लेकिन आपको वहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, आपको हाइट मिलती है गाड़ी की, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा माइलेज ज़्यादा चाहिए और आपको और सस्ती गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर आप अल्टो K10 के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो थी, आपको क्या पसंद है, एस्प्रेसो या अल्टो K10? एस्प्रेसो लवर्स जो है, एस्प्रेसो जिनको अच्छी लगती है वो एस्प्रेसो के लिए एक लाइन ज़रूर लिखें, या जिनको ख़राब लगती है अच्छी लगती है ज़रूर कुछ रिएक्शन दें एस्प्रेसो या फिर अल्टो K10 पे, मैं जवाब ज़रूर दूंगा जो भी सबसे अच्छा या फ़नी कमेंट होगा उन सारी कमेंट्स पे। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस वेरिएंट की वीडियो देखनी है तो जाके चैनल पे देखें, और जल्द ही मिलते हैं।